भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की 177 सीटों से प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान। भारतीय जनता पार्टी ने 177 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसमें सबसे खास बात, राजमाता विजयराजे सिंधिया की भाभी का टिकट ग्वालियर से काट दिया गया है। जी हां, माया सिंह का टिकट काट दिया गया है। वहीं अगर रीवा की बात की जाए तो रीवा से राजेंद्र शुक्ल लगातार चौथी बार चुनाव लड़ेंगे। वहीं देवतालाब से गिरीश गौतम चुनाव लड़ेंगे। मनगवा से एक बार फिर पंचूलाल प्रजापति को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। गुड़ से नागेंद्र सिंह एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे। मऊगंज से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी लक्ष्मण तिवारी ने पालाबदल सपा से लड़ने का मन बनाया है, इसलिए वहां से प्रदीप पटेल चुनाव लड़ेंगे। उम्रदराज नेता त्योंथर के रमाकांत तिवारी की जगह श्यामलाल द्विवेदी को प्रत्याशी बनाया गया है। सिमरिया से नीलम मिश्रा ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, इसलिए वहां से केपी त्रिपाठी को टिकट दी गई है। सिरमौर से दिव्यराज सिंह एक बार फिर से मैदान में होंगे।